नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग अपडेट देने जा रहा हूं। जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप हो रही है, तो आपको पता है कि ये जो नया वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है ओमिक्रॉन, जिसके बाद कनाडा ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अनफॉर्चुनेटली ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने से पहले ही कनाडा में पहुंच चुका है और आज उसके दो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं ओटावा में, जो कि कनाडा का नेशनल कैपिटल है। और ये दोनों केसेस ही इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड हैं और ये वैसे दो लोगों में पाए गए हैं जो नाइजीरिया से रिटर्न आए हैं ट्रैवल करके। इस समय उन्हें सेल्फ आइसोलेशन पर रखा गया है जबकि बाकी चीजें लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये सब हो रही होंगी। तो होपफुली सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए बिफोर ये कि टू लेट हो, और होपफुली इसके सीक्वेंसिंग और डेटा भी आ जाए, और होपफुली सबसे बड़ी बात जो कि मैं भगवान से बहुत प्रे कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग वैक्सीन इस पे काम कर जाए भाई। नए वैक्सीन जब आएंगे देखे जाएंगे बेटर इफिशियंसी पर, बट एटलीस्ट एग्जिस्टिंग वैक्सीन भी एक्सेप्टेबल इफिशियंसी इसके साथ रखे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको अपडेटेड कराता रहूँगा। धन्यवाद।